हाँ आवाज जा रही है। हेलो हेलो, हेलो, आवाज जा रहा अनंतो? यस यस सर, सर, आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है यस सर। सर, अच्छा, एक मिनट, सबको इजी कर लेते हैं। लगातार 3 पीरियड है जी, क्या करें बोलो। यहाँ तो बैटरी भी मेरा नहीं है, बैकअप ही नहीं है। चल जाएगा तो फिर खत्म, फिर हम बाद में लाइट आएगा तो स्टार्ट करेंगे। तो इधर का बारिश हो रहा है सर, हाँ, इधर भी मौसम बना हुआ है, वही तो दिक्कत है ना, क्या किया जाए। इधर पूरा जोरदार बारिश हो रहा है। अच्छा, इधर करंट ही नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन द डिप और हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी के बीच में हम लोग जो है वो बात करेंगे। रिलेशन का दोनों के बीच में क्या संबंध है? अगर हम बोल रहे हैं कि ये BH, ये क्या बता रहा है? हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, और VB, ये दिख रहे हैं डी। इस दोनों के बीच में एंगल मेरा देखो थीटा बन रहा है, डी। ये बी बी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट ए मिनट, और कौन कौन है? लेट दिस बी, ये हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, दिस इज बी, ये बी विद द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या बन रहा है? ये कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट मेक्स एन एंगल थीटा थीटा विद दिस इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। BH जो है हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है? टोटल इंटेंसिटी के साथ। यहाँ ये एंगल ठीक है, तब बोल रहे हैं ये बी बी कॉस थीटा, ये BH इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं बी कॉस थीटा। इसको लेते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। अब जब हम इसका कंपोनेंट इधर ले रहे तो साइन थीटा, ये बी भी, ये बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी भी, मान लो लिखे जैसे यहाँ BH लिखे, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जब इस डायरेक्शन में ले वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। बी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बी भी इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी आ गया ये पार्ट, और ये पार्ट क्या आ गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू दोनों का वैल्यू को पुट करें, बी एच स्क्वायर प्लस बी 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 स्क्वायर बी बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है? बी कॉस थीटा। बी एच का वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर एच का हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर भी, तो बी भी का वैल्यू है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट आया। तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कॉमन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू
बी स्क्वायर इंटू ये पार्ट आ जाएगा वन, वन इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये बी इज इक्वल टू रूट अंडर, इधर रूट अंडर आ गया बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी, ये पार्ट आया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बी एच डिवाइडेड बाय बी भी डिवाइडेड बाय बी एच, तो बी भी का वैल्यू है मेरा कितना बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी एच, बी एच का वैल्यू है मेरा बी कॉस थीटा, बी भी कैंसिल, तो बी भी डिवाइडेड बाय बी एच इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू बी भी डिवाइडेड बाय, पता गया दोनों के बीच में रिलेशन। ये पूछता ही है एकदम फाइव मार्क्स का ये पूछेगा ही, अगर तीनों का डिफिनेशन नहीं पूछा तो ये सीधा बोलेगा या डिफिनेशन पूछ करके बोलेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये बात बोलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर बी, ये बी टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बी का द कंपोनेंट ऑफ बी एट एन एंगल थीटा इज बी एस कॉस थीटा बी बी कॉस थीटा इक्वल टू बी एच, बी एच का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन अर्थ फील्ड, बी हो गया अर्थ फील्ड, एच हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी एच मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बी व्हेन इट कैन बी रिटेन इन वर्टिकल डायरेक्शन मींस हियर सपोज बी साइन थीटा इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन, बी भी इज इक्वल टू बी साइन मींस वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ फील्ड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ फील्ड का स्क्वायर इज इक्वल इसका वैल्यू बी स्क्वायर एच, यहाँ बी एच का वैल्यू दिया हुआ है बी कॉस थीटा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी भी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है बी साइन थीटा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू कॉमन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रेस्ट आया cos स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर कॉमन गया तो cos स्क्वायर थीटा बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू यहाँ आएगा बी स्क्वायर इंटू ये पार्ट हो गया वन, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी। अब हम बोल रहे हैं ये बी भी वर्टिकल डायरेक्शन में जो अर्थ फील्ड है डिवाइडेड बाय द रेशियो बिटवीन द अर्थ फील्ड टुवर्ड द वर्टिकल डायरेक्शन टू द अर्थ फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बी वी बाय बी एच इज इक्वल टू बी वी का वैल्यू है मेरा यहाँ पर बी साइन थीटा और बी एच का वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो बी वी विल कैंसिल, तो बी वी बाय बी एच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू बी वी बाय, इसको इस न्यूमेरिकल के आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सिंपल ए कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड एट ए प्लेन वेयर द डीप इज 60 डिग्री थीटा इज गिवन हियर 60 डिग्री डीप डीप फ्रॉम थीटा से बोल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है to calculate the vertical component of the arc. तो यहाँ जब थीटा दिया हुआ ये पार्ट दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, हम लोग जानते हैं यहाँ से ये पार्ट से तो बी वी इज इक्वल टू बी एच इंटू दिस tan थीटा, बी एच का वैल्यू है मेरा यहाँ 0.02 × 10⁻⁴ इंटू टेन टेन 60 रूट थ्री, अब रूट थ्री इसका वैल्यू आ गया 1.732, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज इफ
ये याद नहीं करना है, ठीक है? ये पार्ट हमारा पूछेगा, इसको सिर्फ बोल दे सुपर पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये पॉइंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड, देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट कैन बी फाउंड बाय द वेक्टर एडिशन मेथड, इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले तीन चार क्लास पहले, बीएससी 101 का जब हो रहा था। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में पूछता है न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ए पॉइंट इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, याद रखना रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इफ एनी पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, दैट पॉइंट इज नोन टू बी नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। एकदम इसी न्यूट्रल पॉइंट बोल सकता है या नल पॉइंट, तो जिस पॉइंट पर मेरा वह मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होगा, उसको बोल सकते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ में टेंजेंट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैग्नेट को हम लोग सस्पेंडेड, इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन टू मैग्नेटिक फील्ड बी और बी एच, देखो ये हॉराइजेंटल ये मान लो बन, इफ ए मैग्नेट बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी एच, देन मैग्नेट कम्स टू बी एट रेट बेस्ट एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये तो होता है हम लोग जानते हैं, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी बी एच एंड इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन सी दैट आफ्टर सम टाइम मैग्नेट कम्स टू एट रेस्ट एंड मेक्स एन एंगल थीटा द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो वी कैन सी दैट बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, यहाँ से ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम आप बोल रहे हैं क्या बी वर्टिकल डायरेक्शन में, जो यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं बी और ये बी एच का बी। तो जब हमारा कोई मैग्नेट दो फील्ड में सस्पेंडेड है, झूला हुआ बी यहाँ पर बी और बी एच, तो एंगल बना रहा थीटा बी और बे बी एच, ये बी और बी एच, ये बी एच, देर आर टू मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी एच एंड दिस मैग्नेट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, यहाँ बी भी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी भी के जगह अगर बी बोलेंगे तो बी इज इक्वल टू यार बी इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा, तो बी इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए वही पार्ट यहाँ पर आया बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। ये स्टेटमेंट है टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ, ये स्टेटमेंट ऑफ द टेंजेंट लॉ इज गिवन हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट लॉ वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल, ये इसको मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल डायरेक्शन। तो ये मेरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट मेरा नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है। नाउ लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज सपोज टू एल एंड एम, हियर एम देखो एम लिखा हुआ है, हियर एम बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल, एम बी द हियर ये स्मॉल देखो छोटा सा एम लिखा हुआ है, हियर एम बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एम
और कैपिटल एम को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, हम लोग को मालूम मैग्नेटिक मोमेंट। तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट मेरा 12, एम विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड कैपिटल एम, कैपिटल एम विल बी द सपोज मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ इफ दिस मैग्नेट इज सस्पेंडेड इनटू टू म्यूचुअली मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी एच, दिस मैग्नेट इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी एच ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी एच द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल अप्लाइड ए फोर्स एम बी एच, एम बी एच सॉरी दिस नॉर्थ पोल अप्लाइड ए फोर्स एम बी एच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी एच। ध्यान से समझना, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी एच द नॉर्थ पोल, अभी हम बी एच का बात बोल रहे हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी एच द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेज ए फोर्स एम बी एच, दिस एम बी एच, एम बी एच एम विद द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इन द नॉर्थ पोल एम विद द दिस स्मॉल एम विद द पोल स्ट्रेंथ एट द नॉर्थ पोल एंड बी एच हियर मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेज ए फोर्स इज इक्वल टू एम बी एच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी एच। नाउ द साउथ पोल एक्सपीरियंसेज अप्लाइड ए फोर्स इज इक्वल टू एम बी एच अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एच। ये देखो तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एच है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी एच के चलते नॉर्थ पोल ये फोर्स लगा रहा है एम बी एच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ अनदर कॉम्पोनेंट साउथ पोल, नाउ दिस साउथ पोल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एम एम बी एच एम बी द पोल स्ट्रेंथ, अनदर पोल एस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एम बी एच अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस बी एच, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा फोर्स एम बी एच अपर डायरेक्शन में लगा किसके चलते इस फील्ड में बी एच का, और साउथ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा फोर्स बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे डू नॉट कोइंसाइड एट एनी, हम बोल सकते हैं कहीं नहीं कर सकते, सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल नोन एज रेस्टोरिंग कपल, ये कहीं नहीं कट रहा है तो ये क्या बना रहा है कपल, आप इसको बोल रहे हैं रेस्टोरिंग कपल। तो रेस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू, नहीं कहीं कट रहा है, रेस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन ऑफ द फोर्सेस तो दोनों तरफ में जो भी फोर्स लग रहा सेम है, एम बी एच अब बी एच के तरफ लग रहा है और ये एम बी एच डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट द फोर्सेज आर सेम, बट द फोर्सेज आर वैल्यू वैल्यू ऑफ फोर्सेज आर सेम बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो हियर द वैल्यू इज एम बी एच, सो वी कैन राइट वन ऑफ द इन प्लेस ऑफ दिस वन ऑफ द फोर्सेज वी कैन राइट एम बी एच इन टू 2L, perpendicular distance. The distance between these two poles is 2L. So we can write it makes an angle theta here. So this BH makes an angle sine theta. So here we can write sine theta. So we know that magnetic moment is equal to mass into distance between the two charges or two poles. हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू मास, मास इनटू 2L, 2L मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, टू पोल, सो हियर देयर आर टू पोल, हियर देयर आर टू पोल S एंड N, S एंड N,
and the distance between them is 2L, and the mass of the holes are m. m, this is small m, yahan dekho small m likha hua hai, into 2L is equal to magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट देखो एम बी द मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ लिखा हुआ है. यहाँ पर हम क्या किए एम, ये पार्ट आ गया मेरा एम बी एच साइन थीटा का साइन थीटा. नेक्स्ट डायग्राम, अभी हमारा क्या बी एच के चलते हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब हम बी के चलते सिर्फ बोले जब मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी चूज द मैग्नेटिक फील्ड B, only magnetic field B, इस B magnetic field के चलते बोल रहा है कि due to this magnetic field B, the north pole experiences a force MB along the direction of B. Now the south pole, this south pole experiences a force MB along the direction of B, but they are in the opposite direction. These two forces constitute a couple known as deflecting couple. Dono alag alag hai, dekho either left or right. So deflecting couple is equal to m b into 2l sin theta, या फिर m into 2l is equal to क्या हो जाएगा magnetic moment into b cos theta. Now equating restoring couple is equal to deflecting couple m b cos theta, equating equation 1 and equation 2, so mb sin theta, mbh sin theta is equal to mb cos theta. Mm will be cancelled, so here b is equal to bh m. So mera yahan par yahi aaya tha, dekho to b is equal to bh m theta, yahi part ko humko lana hai, b equal to bh m theta. Ye pata nahi, ye sab yaad rakhne se nahi hoga, ye sab samajhna hoga कि क्या बोलना चाह, कैसे आया, रटोगे तो फिर भूल जाएगा, कुछ समझ में नहीं रहे. फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड बी एंड बी एच, प्रेशर को ध्यान देना, देन द मैग्नेट आफ्टर सम टाइम मैग्नेट कम्स टू बी एट रेस्ट एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. So here B is equal to BH tan theta. यहाँ से आया B is equal to BH tan theta. ये B, B B को B बोल रहे हैं. B is equal to BH into this tan theta. अब बोल रहे हैं कि if this length of the magnetic suppose 2L and M be the here M small m, M be the pole strength of pole strength. That is mass of south pole and north, and capital M will be the magnetic moment. Now the magnet is suspended. Now this magnet is suspended into two mutually perpendicular field, that is B and BS. Due to this magnetic field BS, the north pole experiences a force MBH along this direction of BH. Now the south pole experiences a force MBH along in the opposite direction. Yahan dekho same direction mein MBH mera force lag raha hai, lekin north pole mein, lekin south pole mein ye kya ho raha hai MBH downward direction mein kaam. So हम बोल रहे हैं दीज टू फोर्सेज आर इक्वल, ये दोनों फोर्स मेरा क्या है इक्वल एम बी एच इधर भी, बट दे आर इन ऑपोजिट. सो
they do not coincide at any point, and it constitutes a couple known as restoring couple. So restoring couple is equal to one of the force means a into perpendicular distance, one of the force into perpendicular distance, one of the forces kya hai yahan par mera mbh, mbh into distance kya ho gaya 12 cm, 12 to ho gaya magnet ka length, aur ye angle bana raha theta, to iske sath mera kya aayega sin theta. Usi tar ab hum bol rahe hain m into 2l equal to magnetic moment, m magnetic moment, m into bh into ye sin theta. Ab bol rahe hain ye mera bh magnetic field ke chalte hai. Ab hum b magnetic field ke chalte bole, due to this magnetic field b, the north pole is north, experiences a force mb along the direction of b, along the direction of b. Now the south pole experiences a force mb. dono mera kya same hai, take it, dono deflect ho raha hai area direction. यहाँ पर देखो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये दोनों ही मेरा इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये ऑपोजिट है, ये अपर में है, ये लोअर डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या है, ये लेफ्ट और राइट पूरा एरिया से बाहर है. तो नाउ दीज टू फोर्सेस एम बी एंड हियर एम बी, दीज टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल नोन एज डिफ्लेक्टिंग कपल. So deflecting couple is equal to mb into 2l. यहाँ sin theta बोले थे तो इधर क्या आ जाएगा cos. अब m magnetic moment, m into 2l is equal to magnetic moment mb cos theta. तो यहाँ क्या है, restoring couple आ गया मेरा equation 1 और deflecting couple हो गया equation 2. तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट करने पर mb cos theta इज इक्वल टू mbh, x सफिक्स में होराइजन कंपोनेंट है, mbh sin theta. mm विल कैंसिल, b cos theta ये sin theta, तो sin theta बाय cos theta इज इक्वल टू tan theta, b इज इक्वल टू bh, ये sin theta by cos theta आ गया, ये वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पर जो हमको चाहिए टेंजेंट लॉ के आधार पर. अब है ये सब पूछेगा, याद रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन, फ्लक्स डेंसिटी, ये तो बताए हुए हैं पहले ही, इसी तरह सस्टेनेबिलिटी, परमिएबिलिटी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, देखो सिलेबस में ये दिया हुआ देखना. इसी तरह हम लोग जाएंगे फैराडे लॉ, लेंज लॉ, एडी करंट, कल जो है कल वो सब पढ़ाया जाएगा सेकंड हाफ में, कल जरूर ज्वाइन करोगे क्योंकि तो वो नोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखना मॉड्यूल मनोज सर जो पढ़ा रहे थे उसी मॉड्यूल में वो आ जाएगा, फैराडे लॉ वो सब आएगा. मनोज सर बोले थे कि सुरेश सर उसको बता देंगे. मैग्नेटिक इंटेंसिटी द एबिलिटी ऑफ ए, इसको रटोगे खाली, मैग्नेटिक इंटेंसिटी द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ये हम लोग पहले आज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज, हेलो, इसके बाद और एक क्लास है, अपग्रेड करेंगे अनंतो. यस सर. हेलो बोलिए सर. हाँ तो बोलो. नहीं सुनाई दे रहा सर. और एक क्लास है, उसको अपग्रेड करेंगे क्या? यस सर कर देंगे.
सर बारिश, सर बारिश हो रहा है सर। हाँ ठीक है हेलो सर, यही क्लास के बाद बंद कर। ठीक है सर। हाँ सर बात है। ठीक है सर। कोई सोलेनोइड है और उसका लेंथ जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन है उस सोलेनोइड में। पिछला क्लास में ये आया था एन आई करेंट, आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, पिछला क्लास का बात बोल रहे हैं। एन एन बी द टर्न्स पर मीटर लेंथ, देन स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनोइड। यहाँ पर लिख n, this small n, n small n be the number of turns per meter length, small n be the number of turns per meter length is equal to n total number of turns divided by l length of the solenoid, a solenoid. So h is equal to kinetic intensity is equal to the product of turns per meter length and the current flowing through the flowing through it or solenoid. So magnetic intensity, its unit is ampere per meter. Now intensity of magnetization, कोई कोई बुक में देखना I लिखा रहेगा और कहीं लिखा रहेगा M. Intensity of magnetization. Hello, hello. Yes sir. Yes sir. आप बोल रहे हैं कि when a material is placed in a magnetic field, जब कोई material को हम magnetic field में place कर रहे हैं तो material क्या होगा? Magnetized हो गया। तो magnetic moment per unit volume of the material, magnetic moment M, M capital M, magnetic moment per unit volume of the material is called intensity of magnetization. मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहां पर देखो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या आ गया? एम यानी पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ 2l, दैट इज 2l। यहां पर हम लोग किए हैं ये पार्ट 2l, ये हो गया m, ये m into l, m be the pole strength, 2l, 2l be the distance between the two poles, यहाँ भी वही किया है, m into 2l is equal to magnetic moment, yeah, similarly, we can write here, magnetic moment is equal to length of the magnet into pole strength, divided by volume, volume means length of the magnet into area, cross section area of the magnet. So magnetic moment के जगह length of the magnet हम क्या जानते हैं 2l, ये 2l into pole strength, pole strength हम लोग m जानते हैं। इस डायग्राम के आधार पर देखो तो यहाँ पर pole strength m है, ये m है, तो यहाँ m आ गया, m divided by ये लेंथ 2l into pole strength m divided by length of magnet 2l into area of cross section area of the magnetic a, so 2l 2l will be cancelled, so m by a. I is equal to pole strength divided by cross sectional area is known as intensity of magnetization. The magnetic moment per unit volume of the material is known as intensity of magnetization. We can write I equal to magnetic moment divided by volume. So magnetic moment is equal to 2L into M and volume is equal to 2L into A, length of the magnet into area, cross-sectional area. So M by A. Now magnetic induction, ये तुम लोग पढ़े होगे, ये तो पिछला क्लास में बताएं। Now susceptibility, susceptibility, ये सब थोड़ा याद रखोगे, susceptibility, permeability,
रिलेटिव परमेबिलिटी द रिलेशन बिटवीन देम ये तीनों के साथ, तो सस्टेनेबिलिटी द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो आई यहाँ हम लिख दिया इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो सभी का बगल में लिखा हुआ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और मैग्नेटिक इंडक्शन बी, उसी तरह यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी साई, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई द रेशियो डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, इस दोनों का रेशियो को बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, psi इज इक्वल टू आई बाई एच, आई बाई एच, ये डिफिनेशन के आधार पर हम लोग ये चीज को दिखा दें इस चीज को। नेक्स्ट परमिएबिलिटी म्यू, परमिएबिलिटी म्यू द रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, यहां से देखो मैग्नेटिक इंडक्शन ये चीज को याद रखो शॉर्ट नेम को, द रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज परमिएबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या था द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी is known as susceptibility. Permeability क्या है? The ratio between the magnetic induction to the magnetic intensity is known as permeability. And relative permeability, mu r. Permeability का हो गया mu और relative का हो गया r. देखो mu r. The ratio between the permeability. The ratio of the magnetic permeability mu of a substance to the permeability in free the free space में रहेगा कोई भी substance कोई भी material, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं mu naught, और जब medium में रहेगा तो mu r, तो relative permeability क्या हो गया the permeability, हेलो सर, हाँ सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना एक पेज पीछे ऐसे ये यस सर, एक और हल्का ऊपर सर, हल्का सा हाँ बोलो थोड़ा बस सर बोलो सर इसी में सर जो निकाले हैं ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हेलो सर हाँ ये इंटेंसिटी सर एम बाई ए आया ना, नहीं सर कुछ नहीं एम बाई ए आया ना सर, हाँ सर अगर एरिया वेरी करेगा तब कैसे निकालेंगे सर, एरिया कांस्टेंट रहेगा तो निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, एरिया जब वेरी करेगा तब कैसे करेंगे इसको, इसका एरिया वेरी करेंगे, हाँ एरिया अगर वेरी करेगा तब सर अगर फिक्स इसका मतलब एरिया वेरी सिलेंडर यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ ले रहे हैं अगर हम एरिया वेरी करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ मेरा क्या होगा सेम रहेगा, हाँ सर हाँ सर पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा नीचे एरिया, अगर इस एरिया को इसका हम सुनो इस टेंजेंट लॉ के आधार पर हम उसको निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये एरिया जो तुम बोल रहे हो चाह रहा ना वेरी करना, हाँ सर नहीं मतलब कुछ नहीं एम बाई ए आया ना सर, हाँ हेलो एम बाई ए आया बोलो, हाँ एम तो सर फिक्स रहेगा ये पोल स्ट्रेंथ मेरा फिक्स है, हाँ पहले ही एरिया अगर आशुतोष कुमार यादव बोल रहे हो ना, हाँ सर हाँ बोल रहे हैं, पहले ही हम ऊपर से बोलते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मेरा